वेलकम टू माय वीडियो। देखिए, आज हम इस वीडियो में रेक्टेंगुलर फिन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने इसका जो डायग्राम है वो पहले से ही बना लिया है, ठीक। तो ये देखिए, तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये एल है, एल क्या है, लेट एल इज द लेंथ ऑफ द फिन, लेंथ ऑफ द फिन, और टी ए है हमारा टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट, और बी जो है हमारा ये बी जो है विर्थ, ये विर्थ है हमारा विड्थ ऑफ फिन, और जो ये वाई है, वाई क्या है हमारा, वाई जो थिकनेस ऑफ फिन, ये थिकनेस है। और टी नोट क्या है, टी नोट है हमारा टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन, टेम्परेचर एट द बेस ऑफ फिन, ठीक। टी ए ये सब हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो पैरीमीटर ऑफ फिन वो क्या है, पी इक्वल टू टू बी प्लस वाई बेस इंटू हाई, ठीक, ये हो गया। अब जो एसीएस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एसीएस वो क्या है हमारा, बी इंटू वाई, ये प्रोडक्ट है बेस इंटू। तो देखिए, इसके बाद अब सबसे पहले हम निकालते हैं हीट कंडक्टेड इन प्लेन एक्स। अब हम हीट कंडक्टेड निकाल रहे हैं किस में, एक्स के प्लेन में। तो देखिए क्या है हमारा, क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ए सी एस डेल्टा टी वाई डी एक्स, ठीक, ये प्लेन एक्स के बारे में था। अब हमारा होगा हीट कंडक्टेड इन प्लेन किसके, एक्स प्लस डी एक्स के, एक्स प्लस डी एक्स क्या होगा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए सी एस डेल्टा टी वाई डी एक्स एक्स प्लस डी ए, ठीक। अब देखिए हीट कंडक्टेड, अब पहले ये एक एक का था, अब हम निकालेंगे हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट बिटवीन प्लेन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स का, मतलब दोनों का, तो क्या होगा, क्यों कन्वेक्शन हो जाएगा एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। अब हम करेंगे अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन द एलिमेंट, अप्लाई एनर्जी पे, ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा Q
एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्शन। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे जो हमारी आई हुई है। तो जैसे सबसे पहले हमारी जो है क्यू एक्स की आई थी माइनस के ए सी एस डेल्टा टी वाई डेल्टा एक्स, और इसकी थी माइनस के ए सी एस डेल्टा टी वाई डेल्टा एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस डी ए। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ये जो वैल्यू इनकी निकाली थी वैल्यू वो पुट किया। ठीक, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। बाय टेलर्स एक्सपेंशन, बाय टेलर्स एक्सपेंशन तो वो क्या होगा मेरा डी टी बाय डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स, हमको इसका निकालना है। तो हो जाएगा सबसे पहले मेरा आएगा एक्सपेंशन जो है डी टी बाई डी एक्स एक्स, फिर आएगा डी बाई डी एक्स डी एक्स, फिर प्लस डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसका डी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। ठीक, प्लस सो ऑन, ये मेरा इक्वेशन थ्री हो गया। ठीक, ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब देखिए, अब जो है हम इसकी वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन किसमें टू में, हम इसको टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हमारा ये ऐसी इसको लिख लेते हैं के ए सी एस डेल्टा टी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो मेरा ये हो जाएगा माइनस के ए सी एस डेल्टा टी बाई डी एक्स, फिर माइनस के ए सी एस डी बाई डी एक्स डेल्टा टी बाई डेल एक्स और डी एक्स। ठीक, माइनस के ए सी एस के ए सी एस, ये था मेरा डी स्क्वायर ऑन डी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी बाय डी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, प्लस सो ऑन, और प्लस हमारी जो ये वैल्यू है वो क्या है एच पी डी एक्स टी माइनस डी ए। ठीक, अभी कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने अपने सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम जो हाइयर टर्म है उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्टिंग हाइयर टर्म, ठीक, नेगलेक्टिंग हाइयर टर्म, हम यहाँ पर जो हमारा हाइयर टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने के बाद हमारा बचेगा therefore माइनस के ए सी एस। तो देखिए, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ मेरा बचेगा ये इस, यहाँ पर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूँगा तो के सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, ये मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस डी ए,
इक्वल टू जीरो। देखिए ये कैंसिल हो गया और हायर टर्म ये मेरा निगलेक्ट हो गया, बचा क्या, ये बचा, इसकी मैंने ये अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब इसके बाद मैं जो है लिखता हूँ के ए सी एस डेल्टा टी डेल्टा स्क्वायर डी एक्स डी एक्स माइनस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए, ठीक, इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ करता हूँ डिवाइड डिवाइड बाय के ए सी एस इंटू डी एक्स, ये पूरे में मैं के सी एस डी एक्स से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा यहाँ बचेगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स, ठीक, क्योंकि ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच पी, ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के ए सी एस। मैं इसको जो है इसमें डिवाइड कर दिया तो मेरा ये बचे और साथ में टी माइनस टी ए इक्वल टू जीरो। ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए जो मेरा थीटा है, मतलब कि इफ टेम्परेचर एक्सिस थीटा इज, अगर मेरा टेम्परेचर एक्सिस थीटा ये हो जाएगा टी माइनस टी ए, ठीक, मेरा इक्वेशन फाइव हो गया। और जो मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर टी ए इज कांस्टेंट, ठीक, अगर मेरा टी ए ये जो कांस्टेंट हो जाएगा तो जो है इसका देखिए क्या होगा, इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी थीटा बाय डी एक्स इंटू डी टी बाय डी एक्स, इसका अगेन डिफरेंशिएट करूँगा दोबारा से तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर दो बार इसका डिफरेंशिएट किया, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। इन इक्वेशन किसमें, देखिए यहाँ पर मैं अपने इक्वेशन फोर में पुट कर दूंगा इसको, तो देखिए मेरा ये जो डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर थीटा डेल इस एक्स स्क्वायर, ये इसकी जगह लिख दिया, ठीक, तो यहाँ मेरा बचेगा एम एम थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये क्या है यहाँ पर थीटा इक्वल टू टी माइनस टी ए है, वो थीटा हो गया एम स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर हो गया, क्योंकि देखिए एम क्या है मेरा, वेयर एम इक्वल टू अंडर रूट एच पी अपॉन के ए सी एस, यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगुलर फिन का ये कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है क्योंकि थोड़ा बड़ा था ये जो है सॉल्व कॉलेज, तो इसको आप देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।